Hello you all? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is White Democracy. And before starting the chapter, we have to know some important terms like universal adult franchisee. Means the right to vote given to all adults, major citizens. Okay? Next is suffrage. Suffrage means the right to vote and theocracy a state having its own religion and where religious leaders hold the power now we will start the chapter now first of all we have to know what is democracy democracy is the best and most popular form of government in the modern world in almost all the countries this form of government has been adopted democracy comes from the greek words demos means people and kreta means administration thus democracy is the form of government where the administration in the hands of the people democracy is made by two words demo and crazy demo means people and crazy means administration or you can say government so डेमोक्रेसी मीन्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज गवर्न बाय द पीपल दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल यानी जो लोग हैं वहां के वही सरकार बनाते हैं और जो गवर्नमेंट है उसी अकॉर्डिंग रूल करती है दैट इज डेमोक्रेसी ओके नाउ वट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दे आर सो मैनी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ओके बट डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल ओके अलग अलग लोग जो फेमस हैं जैसे कि ग्रीक फिलोसफर हैं दैट इज़ हीरोडोटस उसने कहा है डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो सुप्रीम पावर है वो कॉम्युनिटी के मेम्बर्स के हाथ में होती है ओके अकॉर्डिंग टू सेली डेमोक्रेसी इज अ गवमेंट इन विच एवरी वन हैज़ अ शेयर जिसमें सबका कुछ ना कुछ शेयर होता है जिसमें सब Part. Karte. That is democracy. According to Abraham Lincoln, the American president has given the best definition of democracy. What was that? Democracy is government of the people, for the people, and by the people. And this is considered as the best definition of democracy. Now, what is democracy? Democracy is a government of the people, for the people, and by the people. Yani, jo government hai, logo ke liye, logo ke dwara choose or logo ke liye hi karti hai. That is called a democracy. Now, emergence of democracy in modern societies. डेमोक्रेसी जो है बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन उस टाइम क्या होता था ओनली जो मेल सिटीजन थे वो पार्टिसिपेट करते थे वोटिंग में या कोई भी लीडर चूज करने में जो वुमेन होती थी या स्लेव्स होते थे या लोअर कास्ट के लोग होते थे फॉरनर्स होते थे वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे धीरे धीरे ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई कैसे क्योंकि जो कंट्री हैं बड़ी बड़ी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई अब पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन का पूरी कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं अलग अलग जगह से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं ओके सो इट इज द द द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली बट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव यानी गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं पर वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनके जो चूज किए हुए लीडर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वो ऐसे लीडर्स को चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट में काम करते हैं यानी कि लोस बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं ओके नाउ हेर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट In some small states, particularly in Switzerland, some institutions of direct democracy are still working. The institutions of direct democracy available mainly in Switzerland include initiative, referendum, recall, and plebiscite. इन सम कैंटोन प्रोविंस ऑल दिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ लॉज एंड अपॉइंटिंग देयर ऑफिशिय स्विट्जरलैंड इज कोल्ड द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि जो पहले होती थी स्विट्जरलैंड में अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खुद चूज करते हैं नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी द लो इज़ सुप्रीम एंड ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लो यानी डेमोक्रेसी में जो लोगों द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट होती है देट इज अ डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में जो लो है वो सुप्रीम होता है और सब लोग कानून की नजर में लो की नजर में इक्वल होते हैं नो वन इज अब लो एंड एनी बडीज एंड नो बडी शेल बी पनिश्ड इफ हीन द लो यानी डेमोक्रेसी में सब लोग कानून के आगे लो के आगे इक्वल है चाहे वो किसी भी क्रीड से बिलोंग करते हो ओके अगर कोई लो को ब्रेक करता है तो उसे पनिशमेंट मिल है, अगर लो को ब्रेक नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती रूल ऑफ लो पहले माना जाता था कि जो किंग चाहता है वही रूल ऑफ लो होगा द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल दे किंग टू इन सिक्सटीन एट पास द बिल ऑफ राइट एंड एस्टेब्लिश द आइडिया दैट द कंट्री शुड बी रूल्ड बाई द लॉज पासड बाय द पार्लियामेंट ओके तो लोगों ने जो किंग की पावर थी उनको मानने से मना कर दिया था और किंग जेम्स टू को डी थ्रोन यानी कि राजकद्दी से किंग से हटा दिया था और एक बिल पास कराया कि जो भी कंट्री में लो होंगे वो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट होंगे

rule of law say any yani rule of law was the first step these revolutions greatly strengthened the roots of democracy by firmly establishing the idea of accountability and responsibility

दैट इज अडल्ट सफरेज सब लोगों ने एक साथ क्या किया एक साथ आंदोलन किया और सब लोगों के लिए क्या मांगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग टू दिस जो भी एटीन ईयर से अबोव हैं जो भी एडल्ट हैं वो वोट दे सकते हैं ओके इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द इकोनमिक एंड सोशल स्फेयर एज वेल दस डेमोक्रेसी इन वोल्ड द फॉलोइंग फोर स्टेप फर्स्ट इज रूल ऑफ लो सेकेंड इज Principle of accountability and responsibility, and third is universal adult franchise, and the fourth is political equality extended to economic equality. Now, different systems of power existing in the world. दिस इज द एज ऑफ़ डेमोक्रेसी दे आर स्टिल नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अब क्या है डेमोक्रेसिक गवर्नमेंट है हर जगह ओके okay? लेकिन अभी भी ऐसी वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक हैं अन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कोल्ड डिक्टेटरशिप और जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती उसको क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप वेयर इन्फोर्स इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एंड द सिटीजन्स आर नॉट गिवन द राइट एंड फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें एक सुप्रीम पर्सन के पास क्या होता है पूरी अथॉरिटी होती है और वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास कोई पावर कोई राइट right, कोई फ्रीडम नहीं होती कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग में इंटरफेयर कर सकते

ओके डिक्टेटरशिप के बाद है है नेक्स्ट मोनार्की 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 क्या होता अनदर फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट इन सम कंट्रीज इट यूनाइटेड किंगडम और इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर द रूलिंग फैमिली दैट इज एब्सोल्यूट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक को पावर दी है एक पर्सन को पावर दी है सारा जो कंट्री है उसको रूल करने की ओके okay? जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है तो पूरा एक मुनार्क जो होता है यानी जो रूलर होता है वही उसी का पूरा कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग वो रूल करता है बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट इज थियोक्रेसी थियोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवमेंट वेयर इन रिलीजियस लीडर्स होल्ड द पावर जहां पर जो धार्मिक नेता होते हैं रिलीजियस लीडर होते हैं उनके पास पावर होती है मेम्बर ऑफ द मेजोरिटी रिलीजन मेकअप द गवमेंट सिविल लॉज आर मेड टू कंफर्म द रिलीजियस टीचिंगस ऑफ द मेजोरिटी रिलीजन रिसेंटली सम कंट्रीज हैव कम्बाइंड द एलिमेंट ऑफ थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी अभी कुछ, कुछ कंट्रीज में थियोक्रेसी थी जिन्होंने कुछ स्टेप्स डेमोक्रेसी के भी थियोक्रेसी में एड ऑन किया Okay. Now different forms of democratic government. Okay. On the basis of relations between the executive and legislature, the democratic government can be of two kinds parliamentary government and presidential government. Parliamentary form of government is a government in which the executive is responsible to the टू द पार्लियामेंट जहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स वर्क एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी एंड द मिनिस्टर्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड इट हैज़ बीन एडॉप्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जैसे हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सी गवर्नमेंट है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाउ नेक्स्ट है प्रेजिडेंशियल प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट अपॉइंटेड फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पार्लियामेंट यानी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते हैं और ना ही वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड इन दिस सिस्टम द हेड ऑफ़ द स्टेट इन्जॉयज़ ऑल द पावर प्रोवाइडेड टू हिम एंड हिज मिनिस्टर्स आर हिज एडवाइजर्स जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास सारी पावर होती हैं और जो उसके मिनिस्टर्स होते, है, होते हैं वो सिर्फ उसके एडवाइजर्स होते हैं Here, the chief of the state is the real executive and actually exercises the powers which the constitution and laws confer upon him. This form of government originated in America. America that is a presidential form of government. Okay? Now, a democratic country may be also unitary or federal. टिल द 18th सेंचुरी ओल द गवर्नमेंट यूज टू बी यूनिट्री वैन ऑल द पावर्स आर लीगली इंजॉयड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन अब क्या हो गया है अब फेडरल गवर्नमेंट हो गई है दो टाइप की गवर्नमेंट हो गई है जैसे कि व्हेन द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बोथ वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी ओके तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी लेकिन अब क्या है धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग हो गई है और हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई है तो दोनों का जो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी है वो और इनडिपेंडेंटली भी काम करती है फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर्स टू फेस एनी सोट टू एमरजेंसी द चीफ फीचर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट आर फर्स्ट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ पावर इन यूनिटरी गवर्नमेंट यानी जो एक हाउस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब थी ठीक है तो उस टाइम क्या है क्या फीचर्स होते थे उसके इन यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंजॉय ओनली दोज पावर्स एंड अथॉरिटी विच आर बिस्टोर्ड ऑन देम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दीज पावर्स मे बी कटलेट एंड विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट इट्स विल जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर लेनी होती थी या किसी को देनी होती थी तो वो इंडिपेंडेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारी पावर्स होती थी और वही इंजॉय कर पाते थे नेक्स्ट इज सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन थी एंड लोकल बॉडीज डू नॉट हैव एनी सेपरेट लेजिस्चर यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास कोई अलग से लेजिस्लेचर नहीं होता था दिस इज ओनली वन सेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द स्टेट देर इज़ अ सिंगल जुडिशरी फॉर द होल कंट्री और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उन्हें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो ऑर्डर्स होते थे उनको मानना होता था सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उन्हें काम करना पड़ता था एंड there is a single judiciary for whole the country next is single citizenship people are given single citizenship there cannot be a separate citizenship of the province of the residents in their area next is nature of the constitution

पास पावर थी ओके उसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो हिस्सों में पावर को डिवाइड कर दिया गया बोथ एक्सरसाइज पावर्स इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट इज रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन देयर टू बी रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड सो दैट वन नोट एम्प्ट इट फोर इट्स ऑन बेनिफिट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न फॉर्म में आ गया है यानी कि अब कोई एक जो पावर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती है कि जो पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं सिर्फ उन्हीं को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती नेक्स्ट इज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Supremacy of the Constitution. The Constitution is the supreme law of the state, and no authority is allowed to act contrary to it. Next is independent judiciary. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इन अ फेडरेशन देयर इज एन इंडिपेंडेंट इम एंड पावरफुल जुडिशरी दिस ऑर्गन इज गिवन सुपेरिटी ओवर द अदर टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू जैसे कि स्टेट में आप देखोगे स्टेट के क्या होते हैं अपने कोर्ट होते हैं स्टेट कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट्स होते हैं सेंट्रल का एक सुप्रीम कोर्ट होता है तो इस तरीके से जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो गई है नेक्स्ट इज बाई कैमरल लेजिसलेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर टू चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट इवन इन इंग्लैंड वेयर देर इज यूनिट्री गवमेंट दे आर टू चैम्बर्स द लोअर हाउस कंजिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल वाइल द अपर हाउस इज मेड ऑफ पियर्स अपॉइंटेड बाई द क्राउन यानी बाई कैमरल लेजिसलेचर एक लोअर हाउस होता है एक अपर हाउस होता है जैसे कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा लोअर हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोग होते हैं वो लोगों द्वारा यानि कि जो सिटीजन्स होते हैं उन द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और जो अपर हाउस का जो लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पीयर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर क्राउन होता है जैसे कि इंग्लैंड में उन द्वारा अपॉइंटेड होते हैं नेक्स्ट इज ड्यूल सिटीजनशिप

फर्स्ट इज फॉर्मल इक्वलिटी डेमोक्रेसी से सब लोग जो है वो इक्वल फील करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी की नज़र में सब लोग इक्वल हैं एंड देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड बर्थ और जेंडर नेक्स्ट इज लिबर्टी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम लिबर्टी इज द अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट लिबर्टी मैन कैन नोट अटेन द फुलर डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड फ्रीडम टू प्रेस आर इन्जॉयड बाई द सिटीजन ओनली इन डेमोक्रेसी सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही जो वहाँ के लोग हैं सिटीजन्स हैं वो लिबर्टी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है फ्रीडम होती है अपने जो थॉट्स हैं एक्सप्रेशन हैं उनको एक्सप्रेस करने की ग्रुप बनाने की एसोसिएशन बनाने की अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की नेक्स्ट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सेटअप विदाउट इट डेमोक्रेसी कैन नीदर बी रियल नोर फ्रूटफुल क्योंकि लोग जो है वो, वो वोटिंग करते हैं तो क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग मकेनिज्म इन डेमोक्रेसी देअर इज अ डेफिनेट डिसीजन मेकिंग मकैनिज्म विच इज द हैंड्स ऑफ द पीपल यानी लोगों के हाथों में होता है कोई भी अगर रूल बनाना है अगर लोग उससे सहमत हैं वहाँ के सिटीज़न वहाँ से सहमत हैं उन्हें लगता है कि ये कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा ये डिसीज़न गवर्नमेंट को लेना चाहिए तो वो उनको क्या करते हैं अलाउ करते हैं सपोर्ट करते हैं अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट का ये डिसीज़न इंडिया के लिए या हमारी कंट्री के लिए फ्रूटफुल नहीं है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं Next is accommodation of differences. In a democracy, nothing may be imposed on the people they and their elected representatives can express their differences freely and the spirit of give and take and the spirit of accommodation makes the democracy popular in modern world democracy is based on tolerance and accommodation otherwise it is likely to become a majority and dictatorship differences between the ruling party and the opposition are settled amicably एकोमोडेशन ऑफ differences मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ओके तो एक विनिंग पार्टी होती है जो कि हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं और एक जो हार जाती है पार्टी उसको क्या कहते हैं अपोजिशन तो डेमोक्रेसी में सब लोग अपने व्यूज जो हैं वो इक्वली अपने डिफरेंसेस जो हैं वो इक्वली प्रेजेंट कर सकते हैं और लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं उन डिफरेंसेस में से चूज करने के लिए कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए अच्छे से काम कर पाएगी नेक्स्ट इज एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी इट इज ओनली इन डेमोक्रेसी दैट लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी कैन बी गारंटेड एंड इंश्योर्ड not only is political liberty ensured but all efforts are made to ensure economic liberty as well in a country equality is

हो सोशल हो या इकोनमिक हो जैसे कि सोशल की अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी जो है वो बैन है डेमोक्रेसी में और जो भी अनटचेबल पीपल हैं या लोअर कास्ट के पीपल हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी इस तरीके से लॉज के सामने डेमोक्रेसी में इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑल पीपल आर इक्वल नाउ हेयर इज ए क्विक रिक ऑफ द चैप्टर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गमेंट इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन देंड्स ऑफ द पीपल There are two types of democracy direct and indirect. Direct democracy, which originated in ancient Greece, is not practicable nowadays. Now, most of the countries have a democratic form of government. Monarchy and theocracy are the other systems of government. Dictatorship is the opposite form of government of democracy. Democracy involves four key elements the rule of law and the principle of accountability, universal adult franchisee, and political equality extended to economic equality. They are different forms of democratic government that is, parliamentary and presidential, unitary and federal. इंडिया हैज एडोप्टेड पार्लियामेंट्री एंड फेडरल फोर्म ऑफ गलिटी लिबर्टी पॉपुलर पार्टिसिपेशन डिसीजनिज्मोडेशन ऑफ डिफरेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी हाउ मेड डेमोक्रेसी पॉपुलर आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे <laughs>